हाय हेलो नमस्कार मुकिशोर मो चैनल को आपन मानु स्वागत करछि विलेज बॉय किशोर जेमती आपन माने जानि जंदी मु नुवा नुवा जगह आपन मानु देखाय त सेमती आज हम ओडे उड़ीसा रो प्रसिद्ध देवी पीठ त जगह पर आपन मानु गले देखैबि केमती कोन मांगर पीठ तो हम आज जाउ जे चार जण ये होचंदी शंकर से होचंदी मानस ये निखिल समस्त के हाय कर दियो एवं मो व्यूअर्स मानु समस्त को हैप्पी न्यू ईयर कह दियो तो आपन माने देखथिबे जगह रो एड्रेस त मु जानिनि मानस बाबू कहबे जगह रो एड्रेस ता ये जो ब्रिज में पूरे छिड़ाई जाए ब्रिज रो ना डाटे को तो देखी पारे आप मैंने मो पछपटे गोटे विराट बड़ नदी तो यू आम बाहर छूँ माँ को पीठ को तो माँ को पीठ कौटी कौ देवी पीठ को आम जाऊँ तो भिडियो आपमती देखु था तो मुझे नहींक जी माँ पीठ को चलत पाखापाखि 30 किलोमीटर यात्रा करी आम आसी पहुँचीगलु माँ पीठ से तो सामने आपण मैंने देखिपे माँ मंदिर को प्रवेश पथर दृश्य तेज चलतु एवं जीवा गाड़ी को पार्किंग रे रखा तापर माँ दर्शन पाई जीवा आपण मैंने भी जिते आसवे यही गोटे पार्किंग व्यवस्था कर आपण पार्किंग रे गाड़ी रखिबे एवं गाड़ी रो सुरक्षा दृष्टि पार्किंग रे रखा भल तो चलत गाड़ी रखा एवं भितर को जी आप जो आसवे तो ये हूँ गाड़ी पार्किंग तो गाड़ी पार्किंग एमती आपण मानक गोटे पची दिज्व जार मूल्य रही 20 टाँग बैक तो कारपे मुझे जानी बैक आम 20 टाँग डिपोजिट कलु गाड़ी ये रखिलु तो माँ का मंदिर को जी देखा चलत फाइनाली भिजुआल देखि तो आपण मैंने जा सारे मंदिर प्रवेश पथर गेट्र जो भिजुआल्टी तो से भिजुआल तो आपण मैंने जा सारे आम कौ देवी कौ माँ पीठ को आम आसीचु तो मुझे रखा चाहे आम आज आसी जो जगटी हूँ काकटपुर बासी जगत जननी माँ मंगला मंदिर घर घरे माँ परिचित ओडिशार पुरपल्ली माँ को जानती माँ बहुत महिमा अच्छी बहुत दिन मनरे आशा था माँ को दर्शन टिके तो फाइनाली माँ को डोरी लगला और माँ को पीठ से मुझे पहुँची गली तो यठार कि भोग किणवा एवं सीधा मंदिर भितर को जी माँ को दर्शन करवा माँ को से दिव्य रूप देखापी मन भितर बहुत आशा उत्कंठा लग रही तो चलतु जीवा और माँ को मंदिर भितर दर्शन करके आस तो माँ को दर्शन सारी आम बाहर को आसलु किंतु बहुत दुखर कथा जे माँ मंदिर बेढ़ार दृश्य मुझे देखे पारनी से मुझे बहुत दुखित कारण यठार आप देखिपे मंदिर किसी नियमावली लग जा नोटिस जहाँकि आप स्क्रीन पर पढ़ी पार्थे नोटिस स्पष्ट लिखा जाए डिजिटल कैमेरा कि मोबाइल कैमेरा भितर अलाउ ना जदि कई व्यक्ति सेमती मंदिर नियम उल्लंघन करती तो कठोर कठोर दंड विधान करतर तर सुरक्षाकर्मी मैंने भी अच्छा से मंदिर प्रशासन को सम्मान जन आम भितर मोबाइल बा कैमरा किसी यूज करन मोबाइल कैमेर तो मोबाइल टी आम बाहर स्टाण रखी जाइलु तो ये बाहर को आसी माँ मंदिर दृश्य मुझे देखा तो ये चलत देखिए माँ मंदिर पार्श्व को लगिक अन्य देवादेवी मैंने जो मैंने अच्छा पूजा पाँच ये देखिपे माँ काकेटेश्वरी मंदिर तो कड़क अच्छा तो देखिपे ये प्रभु ग्रामेश्वराय महादेव मंदिर तो आपण मानक देखा प्रभु ग्रामेश्वराय तो सैड्रे अच्छा माँ दक्षिण काली चलत जावा भर को माँ को टे पाखर दर्शन करवा तो ये तीन गोटी मंदिर माँ मंदिर पूरा सम्मुख भाग अच्छा
ତ ମା ଏଇଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଏଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଏଠାରେ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରୁ ଲାଗିଗଲା କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାମୟୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା। ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏବେ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଫଟୋ ସବୁ ମୁଁ ଅଦର୍ ସୋର୍ସରୁ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେହେତୁ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ଟି ଆଲାଉ ନଥିଲା, ତ କୌଣସି କ୍ୟାମେରାର ସୁବିଧା ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର କିଛି ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ବି କହୁଛି। ମାଆ ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳରାଶି ଭିତରୁ ନାଉରିଆ ହିଁ ଜଣେ ଠାବ କରିଥିଲେ। ତ ସେବେଠାରୁ ମାଆ ଏହି କାକଟପୁର ବା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳପୁର କୁହାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ମାଆଙ୍କର ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଝାମୁଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଏହି ପୀଠରେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଝାମୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଏହି କାକଟପୁରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନବେ କଳବର ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ମାଆ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରନ୍ତି ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ବା ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ଅଛି, ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦାରୁ ଅଣାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଏଇ ପୀଠଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠାରୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମିସ୍ କରିବେନି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।